जी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक हो ना? और आज हम दोबारा से आ गए व्लॉग के साथ। ठीक है ना जी? ठीक है। तो मैं ना आज सबसे पहले जब आया ना कॉलेज से, तो कॉलेज से आने के बाद मैंने ना सुना ये कि मुझे खबर मिली कि ना हमने आज बाहर का खाना मंगवाना है। नाइस। बाहर का खाना? और यार रात का खाना मंगवाना है बाहर से। हाँ, तो मेरी तो जो खुशी की इंतहा थी वो बहुत बहुत ज्यादा थी। लेकिन तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई? लेकिन उसके बाद मुझे याद आया कि पैसे ना नए एटीएम से, तो मैं सबसे पहले बाहर आया था कि एटीएम से कुछ पैसे ले सकें। बाहर आके मैं ये गौर कर रहा था कि जब मैं सुबह टाइम पेपर लेने जाता हूँ सारी मार्केट बंद होती है, अब ये खुली हुई है। तो मैं यही गौर कर रहा था, मैं क्लिप्स बना रहा था, तो ऐसे मेरे भी गौर करने का बातें सुने जरा। सुबह टाइम से बंद ही नहीं नहीं दुकानें। चलो ठीक है, मुझे अजीब लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा ही रौनक फील हो रही थी आज यहाँ पे। तो मैं एटीएम के पास जाने के बजाय यहाँ पे वीडियोस बनाई जा रहा था, लेकिन फिर आखिर का याद आया कि एटीएम भी जाना था। तो एटीएम में पहुंचा, वहां जाके एटीएम से जैसे सोया हुआ था उसको मैं जाके जगाया जुगाया कि उठो भाई पैसे दो मुझे, इतना ही स्लो था ना देना, अभी यहाँ वेट करी जाए। उसके बाद मैं पिन दूंगा, उसके बाद 100 घंटे और वेट करना। करी जा रहा वेट। लेकिन जो भी हो, मैंने फिर उसका थोड़ा सा वेट वूट करने के बाद मैंने पैसे वैसे निकलवाए। तो यहाँ से मैं कैश विड्रॉ कराया था, मुझे था ये टच होगा, लेकिन ये बटन वाला सिस्टम था, पता नहीं क्यों थे ज़माने में रह रहे हैं। एटीएम मशीन चेंज भी नहीं करा रहे ना, कुछ डिस्प्ले लगा रहे हैं उसके ऊपर टच वाला। नहीं, जो भी था फिर मैंने बटन वटन पाए, पैसे पूसे निकलवाए। उसके बाद पैसे निकलवाने के मैं बाहर जाना था। बाद में मुझे ये लगता था कि ये टच है, पता नहीं क्यों यही लगी जा रहा था। उसके बाद थोड़ा वेट किया, पैसे कैसे आए, लेकिन ये बोली जा रही थी। और एटीएम भी नहीं देखी, पैसे भी नहीं देखी, मुझे लगा शायद एटीएम से आ रही। लेकिन फिर आखिर का निकला, मैंने निकाला उसको, सबसे पहले उसके बाद पैसे निकाले। तो मैंने यहाँ पे कहा भी था कि ना वो रिसिप्ट भी दे रहे, लेकिन दी नहीं, पता नहीं क्यों क्या मसला था। लेकिन चलो ठीक है, मैं बाहर आया। उसके बाद बाहर आके देखा तो एकदम अंधेरा हुआ था। जब मैं गया था अंदर, सुबह सुबह थी, अब अंधेरा था, पता नहीं कौन सी लॉजिक लड़ रही थी। लेकिन जो भी था, अब मुझे जल्दी भी पड़ी थी, क्योंकि अगर मैं आगे जा घर जाके मैंने मैच भी देखना था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, उसमें बाबा जान उसको काफ़ी सर, मैं जल्दी जल्दी जा रहा था। एक ही क्लिप मैंने बनाया था कि जल्दी मैं बस फ़ोन किया, मैं फिर आखिरकार देखा जाके था 99 पे खड़ा था बाबा जान, मैंने जाके उसका मैच देखा। और ये शॉट जो मारी ना, और उसके बाद जो सेंचुरी थी ना, उसके बाद जो सेलिब्रेशन, वो एड्रेस के दिल पर जाके था करके लगी नहीं है। लेकिन जरा छोड़ा, एड्रेस तो होते रहते हैं। बाबा जान वैसे भी फर्स्ट कैप्टन जिसने पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम ODI में रैंकिंग नंबर 1 पर दिया, और फिर भी लोग उसे हेट देते, पता किस चीज़ का हेट देते हैं उसे, मुझे तो यही नहीं समझ आती। ये तो खुद कुछ नहीं कर सकते, घर बैठ के चुप करके बोलते रहेंगे और दूसरे फिक्सर्स के साथ इसे कंपेयर करते रहेंगे। चल छोड़ो यार, वो और बात टॉपिक पे चली जाती है। उसके बाद खाना वो आया, खाना जो था वो आया था ऑलवेज बहुत मज़े का था, पिज्ज़ा था, बर्गर था, विंग्स थे, जो कि तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की थी। ये वैसे भी बाहर का खाना वैसे पसंद आता है, ये सबको ही आता है, तो बहुत मज़े का था। ये मेरी फेवरेट सॉस भी थी यहाँ पे। आप लोग ये ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।